चुनाव के पहले ही शतरंज की बिसात बिछ गई है। सत्ता विपक्ष प्रशासन आपस में उलझे हुए हैं। जी हां, सिमरिया में पिछले दिनों दो मौतों को लेकर हुए हंगामे को लेकर घटे घटनाक्रम को देखकर ऐसा ही लगता है। देखिए रीवा दर्शन की एक खास रिपोर्ट। हत्या या आत्महत्या या पुलिस जांच का विषय है, चुनावी वर्ष में अगर यह घटना हो तो इसे किस तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा सकता है, आज हम यही बात करेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रीवा के विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में, जहां पर पिछले दिनों दो दलित आदिवासी कहें, कोल कहें या फिर ऐसे व्यक्तियों की मौत कहें, जिनको लेकर विपक्षी दलों को धरना प्रदर्शन आंदोलन का मौका मिल सकता था, उन्हें यह मिला भी। हाथ आए इस मौके को सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खूब भुनाया। वैसे भी चुनावी बेला में हादसों या किन्हीं अन्य कारणों से मुआवजे की रकम 1 करोड़ हो गई है। यह रकम इतनी बड़ी है, इतने जीरो हैं, इसका अंदाज़ा पीड़ित व्यक्ति को नहीं होता है। अगर हम सिमरिया के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो पहले व्यक्ति की मौत से उपजा विवाद दूसरे व्यक्ति की मौत के बाद किस तरीके से सियासत में बदल गया, आइए देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिरौंजी लाल की मौत के बाद के घटनाक्रम पर। सबसे पहले सुनते हैं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चिरौंजी लाल की पत्नी ने क्या कहा। लगे थाने तो थाने हम जाब, तो जब थाने का चलन तो थाने से ऐसे बगीचा में पड़े रहे, तो दौड़ के उठाए। थाना से बगीचा कितनी दूर है? दूरी ऐसे थोड़ा दूर है, तो उठाए फिर बोले दुआ चार कहीं ना गाने थाने से, हम दवाई थाने से पी के आन। घर से लेके नहीं गे रहे हैं, घर से अब जहाँ पानी हो दवाई के मने तो कहीं थाने से पी लिया है। थाने में दवा बस मैं खूब हड़काई नहीं, कहीं तो कैसा हुआ न हुई, जमानत न हुई, तब थाने में पी लिया है। थाने के अंदर हम जहर पी लिया? हाँ जी, बोली दो अक्षर बोले हैं, कहीं जहर थाने के अंदर पी गए दवा बस। चिरौंजी लाल की मौत पर हंगामा हो गया, विपक्ष को बैठे बैठाए सुनहरा मौका मिल गया, सत्ता पक्ष बैकफुट में। जैसे ही सत्ता पक्ष को मौका मिला, चिरौंजी लाल के घर पर गेहूं चावल के साथ पानी। जी हां, रोक के बाद बोरिंग, यह सारी बातें बाद में। पहले सुनते हैं जनपद अध्यक्ष केपी त्रिपाठी मीडिया के सामने आए तो उनके पिटारे से क्या निकला। सुबह है, ये लोग हमारे पास आए किसी के साथ, आदिवासी समाज के जो उधर के नेता हैं सिमरिया क्षेत्र के, उनके साथ इन्होंने हमसे बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ जो लिखित प्रकरण है, हमारी आप मदद करिए। एक दिन मैं इनके घर गया था जब मृत्यु के उपरांत, तो उस दिन के बाद इनको किसी ने बताया होगा, इनको लगा होगा कि हमारे पास आई, तो बस इन्होंने कहा SP साहब से उनको मिलना है, फरियाद करना। अभय मिश्रा क्या आदमी अभी भी इनको धमकाते हैं, ले चलने के लिए बोलते हैं, कहते हैं पुलिस तुमको पकड़ ले जाएगी, नहीं तुम हमारे साथ चलो। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, चलिए हम SPD IG से मिलवाते हैं आपको। उन्होंने बाकी आप सबको मीडिया वालों को बाकी सारी चीज़ें बताई। तो ये जो हमारे सिमरिया क्षेत्र में लाशों को रख कर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये अभय मिश्रा वगैरह सारे लोग, तो इससे हमारे सिमरिया क्षेत्र को आप लोग मीडिया कर्मी लोग सही बात बता कर मुक्ति दिलाइए, जिससे ये लोग भविष्य में इस तरह के काम नहीं करें। अभी आप KP त्रिपाठी को सुन रहे थे। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर पुलिस, पुलिस के निशाने पर विपक्ष, मामला रोचक था। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक से इस घटना के बारे में। इन्होंने आज ये एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक वो आदिवासी वो फांसी पर जो है वो लटक गया था, उस घटनाक्रम को लेकर के इनके परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, और जो है उसके कारण इनके पति ने चिरौंजी लाल कोल जी ने वो आत्महत्या कर ली। तो ये एक आवेदन पत्र आया है, और सर लोग दबाव बना रहे थे, क्यों दबाव बना रहे थे? उसको अंतिम संस्कार भी करने नहीं दिया जा रहा था मेरी जानकारी में, तो ये कौन लोग हैं सर जो इस घटना में इन्वॉल्व हैं? ये इसमें इन्होंने उल्लेख किया है, राजौल कोल की मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेता अभय मिश्रा एवं उनके सहयोगी द्वारा मेरे पति को हत्यारा बताकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा था, यहाँ तक कि आंदोलन भी किया जा रहा था। उनके दबाव में जो है पहले ससुर को, फिर बाद में जो है परिवार के लोगों से पूछताछ की गई, और उसके बाद
अभय मिश्रा वगैरह के दबाव से ये लोग काफ़ी भयभीत थे और 20/6/18 को जो है इनके पति ने आत्महत्या कर ली। इस घटना का सबसे दुखद पहलू चिरौंजी लाल का परिवार बना। उसके नाम से सियासत के खेल में सह और मात की बाजी खेली जा रही है, लेकिन उसकी मदद को आगे बढ़ने वाला विपक्ष भी पीछे कदम हटा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है चिरौंजी लाल की पत्नी के इन दो बयानों से। कई बजे घर में रहा आ गया तुम तो बोले आ गया, सभी लोग खाना पीना खाया, 7 बजे आ गया, सबको खा के लेते रहे। अभी सुबह कहाँ वहाँ गए जे फांसी लगाए, देखने सब कोई गए, हंसे आई, फिर घर में रही, पानी पी सब रही, फिर हमारे बच्चों को सभी को ले गई पुलिस थाने ले गई, वो आसपास रहा वो सुन लिया था, दहस के मारे ख़त्म हो गया। दस्तखत करवाए किसी कागज में अभी? हाँ अभी तो करा के गए दस्तखत। तो क्या लिखा था उसमें? सुनाए आपको क्या लिखा था उसमें, आपको मालूम है? हमको तो नहीं सुनाए, पढ़ के नहीं सुनाए, अब ये बोले तुम्हारा बयान अब लेते हैं, इसकी जाँच हो। पढ़ के नहीं सुनाया? नहीं। आज कौन सी तारीख है? आज 1 तारीख है। आज अभी पुलिस वाले आए थे तो पहचानती कौन कौन आए थे? नहीं चिन्हते नहीं, पर समझिए पुलिस से बता रहे हैं। अच्छा, आए थे तो क्या बयान लिया और दस्तखत करवाए थे, क्या लिखा था उसमें पूरा बताइए। उसमें तो हमें दिखाया नहीं कि क्या लिखा है, हो गया मम्मी का अंगूठा लिए, हो गया उनने अपनी मर्जी से। हाँ लिए और लिख रहे थे वो, अब क्या लिखे नहीं जानते, अंगूठा तो लगा दिए मम्मी। अच्छा, अभी तक आप लोगों को किसी ने सरकारी कोई मदद हुई? नहीं कोई मदद नहीं। पैसे किसी ने दिए? किसी ने नहीं दिए, एक रुपया नहीं। अच्छा, आपको किन नेताओं ने परेशान किया, किसी ने परेशान किया आपको? नेताओं तो कोई नहीं परेशान किए, बस उसी दिन इस दिन लाश रखी थी तो यहाँ पास सब थे। वो काहे के लिए आए थे उस दिन? अभी हम नहीं जानते वो काहे के लिए आए थे। आए थे मतलब उनने आपको परेशान किया किसी नेता ने? परेशान आपको किसी से कोई शिकायत है क्या? बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। कोई कुछ नहीं कहा, बस बैठे थे, होगा कुछ 2 दिन लाश रख रहे हैं, इसके बाद पता नहीं क्या बातचीत की, फिर बोले ले जाओ जला दो। अच्छा, एक ऐसी बात आई थी बेटा कि आपकी मम्मी को लोग कह रहे थे कि पापा के साथ जल जाओ, क्या है हकीकत, कोई बोला कुछ ऐसा? ये बात तो हम नहीं बता सकते, इसलिए कि वहाँ मम्मी को बीच में बैठाए थे, बहुत से नेता थे, तो हम क्या कह दें कि कौन की कहा होगा, इसलिए कि हम लोग वहाँ थे नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं। मम्मी आपसे बताएं ही कुछ ऐसा? नहीं मम्मी कुछ नहीं, मम्मी को तो वैसे भी तबीयत खराब है, कुछ नहीं। तो सुना आपने, जिसे ऊपर जाना था वो चला गया, जांच के बाद अभियुक्त भी पकड़ा जाएगा, नेताओं को एक नया मुद्दा मिल जाएगा, हमें एक नई खबर। अगर किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो वो है चिरौंजी लाल के परिवार को। शतरंज की बिसात से हटकर आइए नज़र डालते हैं एक दूसरी खबर पर।